कमल डेजे है टेकवा बाजार बढ़ते वाले। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? तो भाई आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो भाई हमारे मीड के लिए स्पीकर खोज रहे थे, आप लोग देख सकते हैं डीजे प्लस का ये स्पीकर है और भाई ये 15 इंच में 350 वाट है, जो कि रेमबो के नाम से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग जो ऊपर के टॉप यूज़ करते हैं उसमें रेमबो ही डालते हैं, क्योंकि इसका मीड बहुत ही अच्छा है जो कि डीजे प्लस कंपनी का है। तो चलिए इसका आज अनबॉक्सिंग करते हैं और टेस्टिंग करते हैं और आप लोग को बताते हैं किस प्रकार का ये स्पीकर है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार से ये बज रहा था। भाई आप लोग देख सकते हैं ये रहा डीजे प्लस का स्पीकर, जो कि अभी इसको अनबॉक्स करेंगे। काफ़ी अच्छा स्पीकर है ये भाई, 350 वाट में इसका मीड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। आप लोग आर्केस्ट्रा हुआ, प्रोग्राम हुआ, इसमें ये आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। आर्केस्ट्रा में तो मैं बोलूँगा भाई आँख मूंद कर आप लोग यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसका वॉइस आता है। और आप लोग देख लीजिए डीजे प्लस का जो पैकिंग होता है, मैं आप लोग को बताया था डीजे प्लस वाले काफ़ी अच्छे से पैकिंग करके देते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत ना हो। स्पीकर पे यदि इधर उधर से लगता है तो पर्दे वर्दे पे कुछ ना हो, बहुत अच्छा पैकिंग देते हैं। और इसके साथ इसमें ये जो होता है ना, स्क्रू भी देते हैं साथ में, जो कि आप लोग अपने स्पीकर में कस सकें, लेकिन एलंकी वाला रहता है भाई। और भाई इसका मैग्नेट काफ़ी अच्छा है भाई, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और भाई ओरिजिनल है ये, आप लोग देखिएगा ओरिजिनल सेम ऐसे रहता है, पीछे ब्रांडिंग रहता है डीजे प्लस का, जो कि डीजे प्लस का डुप्लीकेट तो अभी मैं कभी देखा नहीं भाई। डुप्लीकेट इसका तो फिलहाल मार्केट में आता ही नहीं मैं जहाँ तक जानता हूँ, क्योंकि मैं इतना स्पीकर लाया डीजे प्लस का कोई डुप्लीकेट अभी तक नहीं निकला। आप लोग एकदम देख सकते हैं इस पर वॉइस कॉइल सब कुछ इसमें एकदम लिखा हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं 350 वाट, जो कि काफ़ी अच्छा है भाई। और इस पर भी QC पास लिखा हुआ है, जो कि पास किया जाता है कंपनी के द्वारा सब कुछ चेकिंग के बाद। और भाई बहुत ही अच्छा स्पीकर है मीड के लिए, भाई बेस नहीं बोल सकता लेकिन मीड के लिए बहुत ही अच्छा है। चार बॉक्स लगा लीजिए, एकदम अच्छे से बजेगा। जो कि बस्ती में हमारे कई डीजे वाले हैं जो कि यूज कर रहे हैं, टॉप ऊपर लाते हैं इसको, काफ़ी अच्छा भाई को ये स्पीकर काफ़ी अच्छा मीट देता है, इसीलिए सब लोग इसको यूज करते हैं। हमारे पास में काफ़ी लोग यूज करते हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले सकता हूँ भाई। काफ़ी अच्छा क्वालिटी रहा है इसका, हो सकता है हम भी डाल लें, बट हम अभी पेंजा वाला स्पीकर आर्डर पे लगाएं भाई, क्योंकि आप लोग जानते होंगे हमारा वीडियो जो देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं भाई उन लोगों के लिए मैं आर्डर लगाया हूँ। और ये आप लोग पर्दा देख सकते हैं, बूफर वाला पर्दा है जो होता है ना, इसका जो किनारे पर है बूफर वाला, जो कौन है इसका ना भाई, एक नंबर का सील किया जाता है। आप लोग को पहले भी बताया था भाई, 600 वाट दिखाया था डीजे प्लस का एक्स भी, काफ़ी अच्छा भाई उसका भी सील किया था गया था। और भाई आप लोग देख सकते हैं स्पाइडर हुआ, तार हुआ, सब कुछ एक नंबर का यूज किया गया है। यदि आप लोग लगाते हैं तो ये नहीं रहेगा, आप लोग लगातार 3-4 घंटा चला दें तो तार कट जाएगा, ये वाला दिक्कत इसमें नहीं आता है। काफ़ी अच्छा है भाई, 3 इंची वॉइस कॉइल इसका है और काफ़ी अच्छा मीट मिलता है इसमें, बेस नहीं मीट काफ़ी अच्छा आता है। तो चलिए आप लोग को इसका साउंड टेस्ट सुनाते हैं, उससे पहले आप लोग इसका फिटिंग देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं। और हाँ भाई आप लोग देख लीजिए, मैं सीरीज में नहीं इसको ऐड करता हूं, डायरेक्ट लगाया जाता है, तार मशीन से आता है डायरेक्ट एक स्पीकर में, उसके बाद एक स्पीकर में, सीरीज नहीं बनाते हैं, क्योंकि भाई डीजे वाला रहता है सीरीज बना देंगे, एक बंद होगा तो दोनों बंद हो जाएगा, इसलिए एक जलता है तो एक चलना चाहिए, इसलिए हम लोग सीरीज नहीं बना के लगाते हैं। चलिए आप लोग को फास्ट फॉरवर्ड में इसका कनेक्शन दिखाते हैं, उसके बाद आप लोग को साउंड सुनाते हैं। सकते हैं कनेक्शन कर दिया हमने टॉप का, और बहुत ही बड़ा वायर लगाया है इस बार। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं 3K के एक चैनल पे है, और ट्यूटर बहुत थोड़ा सा खोला हूँ, जो कि दूर से खोला हूँ तभी थोड़ा समझ में आएगा। और ये रहा अपना लैपटॉप, जिसमें गाना भी कंपटीशन बजने वाला है हमारा वाला, तो ये सब रहा। और मिक्सर आप लोग वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम इसका 6 पे है, बेस का वॉल्यूम एकदम बराबर पे है और मीड गिराया हुआ है। तो चलिए इसका टेस्ट करते हैं हम लोग, गाना शुरू से करते हैं, चलिए टेस्ट करते हैं। नाम है राज कमल डीजे है टेकवा बाजार बढ़ते वाले।
खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छा मीड इसका आ रहा है और काफ़ी अच्छे से स्पीकर बनाया गया है, जो कि कंपनी ने बहुत अच्छा से इसका कैप सफील लिया है। काफ़ी अच्छा बजा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं थ्री कैसे बजा रहा था, काफ़ी अच्छा बजा भाई। और डीजे पे आप लोग 4-6 बॉक्स लगाएंगे तो और ही मज़ा देगा। एक ही बॉक्स इतना अच्छा मार रहा है भाई, क्लियरिटी नंबर 1 का दे रहा है, मीड इसका बहुत ही अच्छा है। तो चलिए हम लोग सॉन्ग लगा के चेक कर रहे हैं। तो वीडियो में आप लोग यहाँ तक बने थे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।